ना कोई बात ना ही मुजाकरात, मिलकर देंगे हुकूमत को मात। पीडीएम ने तबले जंग बचा दिया। बिलावल भुट्टो की जाती उमरा में मरियम नवाज के साथ मुलाकात, कहा अब बात का वक्त गया, हुकूमत और सहूलतकार घर जाएंगे। सिंध हुकूमत की कुर्बानी का फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। मरियम नवाज ने दावा किया हुकूमती वुजरा 3 दिन से राबते कर रहे हैं, हुकूमत को जो करना है कर ले। 13 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान पर जलसा हर सूरत होगा। ये कहना कि हमारे साथ कोई राबते में है, हमारे बिल्कुल नहीं है, ये झूठ है। ये अपने लिए एक रास्ता मांग रहे हैं, ठीक है, अगर इनको रास्ता चाहिए वो हम इनको दे देंगे। वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने मरियम नवाज का दावा मुस्तरद कर दिया, कहा वज़रा ने उनसे राबते नहीं किए, पीडीएम वाले झूठ बोलते हैं, उनको रास्ता दे सकते हैं एनआरओ नहीं। पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ मुहिम, कप्तान ने वज़रा का बैटिंग ऑर्डर तब्दील कर दिया। शेख रशीद वजारत दाखिला संभालेंगे, रेल का पहिया अब आजम खान स्वाति चलाएंगे। इजाज शाह से वजारत दाखिला का कलमदान लेकर इंसदाद मुनशियात का कलमदान सौंप दिया गया। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख को वजीर खजाना बना दिया गया। सदर मुमलिकत ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया। इस मुल्क को अंदर से खतरा है, इस मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जा रही है ताकि इस मुल्क को अंदर से इंतशार फैलाया जाए, और जो लोग अंदर से इंतशार फैलाना चाहते हैं इंशाल्लाह नाकाम होंगे। शेख रशीद की वफाकी वजीर दाखिला बनते ही धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में अंदर से इंतशार फैलाने के लिए बैरूनी सरमाया लगा जा रहा है, ये लोग नाकाम होंगे। अपोजिशन अगर इमरान खान से बात नहीं कर सकती तो अंदर की बात बताएं, किससे बात करनी है। पीडीएम को इस्लामाबाद आने की भी दावत दे दी। शेख रशीद की वजीर आजम से भी मुलाकात, वजीर आजम ने मुल्की सूरत हाल पर गाइडलाइंस दी। कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर के वार जारी, मजीद 3,047 अफराद वायरस का शिकार हो गए, 50 अफराद जान से गए, सबसे ज्यादा पंजाब में 19 अमवात। कराची में मजीद 3 डॉक्टर्स जहां बहा, सिंध में अब तक 44 डॉक्टर्स इंतकाल कर चुके हैं। पाकिस्तान के लिए खुशखबरी, कोरोना वैक्सीन आइंदा साल पहली सहमाई में दस्तयाब होगी। चीन की 2 किस्म की वैक्सीन पर ट्रायल कामयाबी से जारी, 18,000 रजाकारों का ट्रायल रवाना मुकम्मल हो जाएगा। कौमी इदारे सेहत की डॉक्टर गजाला परवीन कहती हैं वैक्सीन से कोरोना वबा पर काबू पाया जा सकेगा। वफाकी हुकूमत का निजी तालीमी इदारों को रिलीफ देने का बड़ा फैसला, निजी तालीमी इदारों के नुमाइंदों से वफाकी सेक्रेटरी तालीम की मुलाकात, कम फी वाले प्राइवेट स्कूल्स को बिला सूद कर्जे देने का ऐलान। लाहौर में पीडीएम जमातों के कारकुनान नापे से बाहर, दाखिले की इजाजत न मिलने पर मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के ताले तोड़ डाले। मौलाना गफूर हैदरी ने कहा पुरअम है मगर हुकूमत तसादुम का रास्ता अख्तियार करना चाहती है, कल से हर सूरत जलसे के इंतजाम किए जाएंगे। ऑपोजिशन की हड्डियां तोड़ने का इरादा नहीं लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा लाहौर जलसे से कोरोना केसेस में इजाफे का खदशा है, जनूबी पंजाब का हूँ लेकिन लाहौर को भूला नहीं। लाहौर के लिए अरबों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान, रकम तालीमी इदारों, फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस और अस्पतालों की बहाली पर खर्च की जाएगी। भारत ने जिन इदारों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया उन इदारों को भारतीय साजिश से आगाह कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ की न्यूज ब्रीफिंग, कहा कई बरस से भारतीय हाइब्रिड वॉर का मुकाबला कर रहे हैं, भारत पाकिस्तानी सबूतों का कोई जवाब नहीं दे सका, यूरोपीय पार्लियामेंट से भारतीय साजिशों की तहकीकात का मुतालिबा। मोदी सरकार का किसानों को रिलीफ देने से इनकार, ज़रई कानून के खिलाफ भारतीय किसानों का एहतजाज जारी, मुतालबात पूरे न होने पर रेलवे ट्रैक बंद करने का ऐलान। मोदी सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ न्यूयॉर्क में भारतीय कौंसुलेट के बाहर भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शुक्रिया एंड लाहौर लाहौर है। अरे बोलकर इर्तुगरुल गाजी के अदाकार एंगल उल्तान ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा
पाकिस्तानी अवाम का प्यार तवक्को से ज्यादा है। खुशी है वजीर आजम इमरान खान ने इर्तुगरुल गाजी ड्रामे की तारीफ की, अच्छी कहानी मिली तो पाकिस्तानी ड्रामे में जरूर काम करूंगा। बादशाही मस्जिद गए और अल्लामा इकबाल के मजार पर हाजिरी दी। स्विट्जरलैंड स्कीइंग से 50 अरब डॉलर्स कमाता है, हमारा शिमाली इलाका दुगना बड़ा है। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा जितनी सियाहत मुल्क में आज हो रही है तारीख में कभी नहीं हुई। गैर मुनज्जम सियाहत से मुल्क को नुकसान हुआ, सियाहती मकामात और माहौलियात का तहफ्फुज यकीनी बनाने पर जोर दिया। पेशावर में दूसरी जमात की बच्ची के कत्ल का मुल्जिम गिरफ्तार, अम लश्कर ने मुल्जिम को लंडी कोतल से पकड़ा। मुल्जिम का एतराफ है जुर्म, कहा मकतूला उसकी कजन थी, खानदानी चपकलिश की बिना पर लड़की को कत्ल किया। तालिबा 18 नवंबर को लापता हुई थी, मुल्जिम के घर को मुश्ताइल अफराद ने आग लगा दी। एक और अरब मुसलमान मुल्क मराकेश ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। मराकेश चौथा अरब मुल्क है जिसने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर लिए। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्वीट, लिखा आज मराकेश का इसराइल को तस्लीम करना मशरक वस्ता में अमन के लिए बड़ी पेशरफ्त है। व्हाइट हाउस एलामी के मुताबिक ट्रंप ने मगरबी सहरा पर मराकेश का दावा भी तस्लीम कर लिया। किसी भी भारतीय आर्मी चीफ का पहला दौरा यूएई और सऊदी अरब। भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज दोनों ममालिक के आर्मी चीफ समेत आला फौजी क्यादत से मुलाकात करेंगे। क्वेटा और जियारत में रवा सीजन की पहली बर्फबारी, अस्तोर में गुज़िश्ता 3 रोज से बर्फबारी जारी। दीरबाला समेत बाला इलाकों में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बारिश और बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। कराची वालों सर्दी से निपटने की तैयारी कर लो, आज रात से साइबेरिया की ठंडी हवाएं चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध भर में मौसम खुश्क रहेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारी, क्वींसटाउन में दूसरा इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच, इमामुल हक ने भी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। मिसबाउल हक ने कहा न्यूजीलैंड टफ टीम है, हमें अपने फास्ट बॉलर्स पर एतमाद है। प्रैक्टिस मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर कैमरॉन ग्रैंड सर में गेंद लगने से जख्मी हो गए। जसप्रीत बुमराह की हिट ग्रैंड के सर में लगी, मैच से भी दस बर्दाश्त होना पड़ा। यूरोपा फुटबॉल लीग में इंग्लिश क्लब टोटेनहम ने रॉयल एंटवर्प को 2-0 से हराकर ग्रुप जे में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। आर्सेनल ने आखिरी ग्रुप मैच में डेंडलिक क्लब को 4-2 से पिछाड़ दिया। रंगी की छठी बरसी आज मनाई जा रही है, उनके गाए हुए माही सुफियाना कलाम और गीत आज भी अवाम में मकबूल है।